Hello students, good morning to all of today. We are going to start next normality term. Students, normality means यहाँ पर ये है कि आपको जो है solution में से जो है जो particles होते हैं या solid होते हैं उनकी actual mass कितना है, present है, उसको आपको check करना रहता है. तो let's see, फटाफट करते हैं इसे. तो definitions of normality, the number of gram equivalent mass of solute in present 1 liter or 1000 solution. एमएम सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की. तो डेफिनेशन हमारे सामने है, मतलब जो है नंबर ग्राम इक्विवेलेंट मास. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ग्राम इक्विवेलेंट मास मीन्स यहाँ पर ये है कि जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसके कितने एक्चुअल ग्राम परसेंट है, उसको ये टर्म क्या कर रही है, शो कर रही है. ठीक है, नॉन एज नॉर्मलिटी. इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो है जनरल फॉर्मूला हम बात करते हैं यहाँ पर, एन डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन ई बी इंटू वी एम एल. ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है. अब यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट. और एम बी क्या है, यहाँ पर एम बी तो नहीं है, यहाँ पर ई बी है. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. और बचा भी वॉल्यूम इन एमएम. स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले से, हम जो है जो सॉल्यूट होता है उसकी एक्चुअल पोजीशंस क्या होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी कितनी क्वांटिटी होती है वो मालूम करते हैं. तो हमको यहाँ पर ई बी, ठीक है, इसके पहले हम जो दो टर्म पढ़ चुके हैं वो थी आपकी एक मोलारिटी थी, एक थी मोलारिटी. ठीक है, उसके फॉर्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों में ताकि समझ में आ जाए. तो हमारे पास में जो था मोलारिटी था एन डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू वी एम एल. ये किसी टर्म थी, ये टर्म थी मोलारिटी की थी. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एम डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ई. ये टर्म जो है इसकी है मोलारिटी की. ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर मोलारिटी. ये क्या है मोलारिटी, अंडरस्टूड. और ये क्या है नॉर्मलिटी. तो थ्री टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, प्रैक्टिकली भी इनका यूज़ ज़्यादा होता है लेबोरेटरीज के अंदर. ठीक है, तो आपको आना चाहिए, सभी जो है सेम है. बस यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर ई बी और यहाँ पर बी एम एल और यहाँ पर डब्ल्यू. ठीक है, तो आप थोड़ा माइंड से सोचना उस चीज़ को कि यहाँ पर हो क्या रहा है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर ई बी, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास. क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट मास. तो उसको निकालने का तरीका यह है कि आप सिंपल सा समझ लो उसको कि ई बी, यदि मान लो कि हमारे पास में क्या है कंपाउंड है, या हमारे पास में H2SO4 है, H2SO4 का जो है मोलिकुलर वेट कितना रहेगा, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना रहेगा, मोलिकुलर वेट रहेगा 98. अंडरस्टूड, ये है इसका मोलिकुलर वेट. यदि हम बोले कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, कितना रहेगा इसका H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर H2SO4 का इक्विवेलेंट
वेट कितना आएगा, तो आएगा 49। मीन्स यहाँ पर क्या है, ये इसका आधा हो गया। अब आधा क्यों हो गया है, क्योंकि इसमें एक मतलब जो है एक लॉजिक है, और एक मतलब जो है मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें एन फैक्टर काम करता है। क्या काम करता है, इसके अंदर एक एन फैक्टर काम करता है। एन फैक्टर मीन्स यहाँ पर यह होता है कि यदि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है, तो इसमें कितने एच प्लस प्रेजेंट है तो वो काम करेगा वहाँ पर। यदि आपके पास में बेस है तो उसमें ओ एच कितने प्रेजेंट है तो वो वहाँ काम करेगा। यदि आपके पास में सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर जो है कितने आयंस आते प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पर काम करेगा। तो ये सब एन फैक्टर होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके इतने समझ में नहीं आएगा। तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पर ये करना है कि यदि आपको कोई सॉल्यूशन के अंदर यदि बोला जाए कि इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको जो है उसके अंदर जितने भी आयंस हो, जितने भी हाइड्रोजन हो, उसको डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं NaOH, NaOH के अंदर मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 40 आएगा। मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 40 आएगा। और इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक OH आयन आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पर एक OH आयन आ रहा है। यदि आपको एक OH आया, मतलब जो 40 को 1 से डिवाइड करोगे 40 को, तो कितना आएगा, 40 जाएगा, क्योंकि ये OH देगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एसिड बेस सॉल्ट एंड रेडॉक्स ऑक्सीडेशन के ऊपर ये एन फैक्टर काम करता है। एन फैक्टर जो है एसिड बेस सॉल्ट और रेडॉक्स ऑक्सीडेशन से जो आंसर आता है उस पर एन फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो वो आपके आगे समझ में आएगा। अंडरस्टूड, तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो आपको करना रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके पास में सामने जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। लिखा है 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम जो है आपका NaOH है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नॉर्मलता मालूम करना है इस सॉल्यूशन के अंदर। किस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा सॉल्यूशन जो 5 ग्राम क्या है उसमें NaOH मिला हो। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास दे दिया है, कुछ एग्जाम कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आता है मास दिया रहता है, गिवन रहता है, और कुछ में नहीं रहता है, और जिसमें नहीं रहता है हमको उसमें इसको निकालना पड़ता है। तो लेट्स सी, देखें शुरू अपन। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले अपन यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है नॉर्मलिटी का, जस्ट वो अभी बताया मैंने आपको, n इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी एम एल। ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, द ग्राम इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मलिटी। अंडरस्टूड, गिवन क्या है, हमारे को गिवन दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। अंडरस्टूड, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू क्या दिया है, मोलिकुलर वेट, सॉरी यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट दिया है, क्या दिया यहाँ पर, इक्विवेलेंट, तो उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ई बी कितना दिया है, टोटल 40 कितना दिया है आपको, 40। अंडरस्टूड, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन आपको 1 लीटर मतलब क्या, 1000 ml। अंडरस्टूड, 1000 ml आपको जो है इसका वॉल्यूम दिया है, तो इसको जो वैल्यू दी गई है उसको पुट
पुट अप करना है इसके अंदर, तो n, तो n इज इक्वल 4 × 1000, ठीक है, 5 × 40 × यहाँ पर लिखा गया 1000, अंडरस्टूड, ये 1000 आ गया, 1000 से 1000 क्या हुआ कैंसिल हो गया, n अपॉन 5 कितना आया 4 अपॉन 8, तो n इज इक्वल कितना आएगा 0.12, इसका जो आएगा शायद 0.2 या दे देना इसका आंसर जो भी आएगा। तो इस तरह से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोरालिटी पर जो है अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है उनके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। यदि आपको उनके फॉर्मूले याद होते हैं तो आप इजीली जो है उसको कर सकते हो। अंडरस्टूड, ओके।